नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में बाढ़ से संबंधित खास रिपोर्ट। करनाल यमुना के पानी का अब दिल्ली की तरफ रुख हो गया है। पानी तेजी से दिल्ली की तरफ पहुंच रहा है, जिससे करनाल बाढ़ग्रस्त इलाके के हालात अब सामान्य हो रहे हैं। मोटर बोर्ड के माध्यम से लोगों तक खाने का सामान और पानी के कैंपर पहुँचाए जा रहे हैं। कहीं जगह हालात सामान्य तो कहीं जगह खेतों में सड़कों में 3-4 फुट पानी भरा हुआ है। हथनी कुंड बैराज से यमुना में 8 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद करनाल के दर्जन से ज्यादा गांव पानी की चपेट में हैं। कल के हालात ऐसे थे कि 7 से 8 गांवों में बाढ़ जैसे हालात थे। 4 से 7 फुट पानी तो कहीं 7 से 9 फुट पानी भरा हुआ था। सड़कें, खेत, सब कुछ जलमग्न था। लेकिन अब यमुना के पानी ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है। तेज बहाव पानी अब करनाल से गाँव खेतों से निकल कर दिल्ली की तरफ जा रहा है। कहीं जगह आज गाँव में हालात सामान्य हो गए हैं तो कहीं जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि यमुना के पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कहीं एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है तो कहीं खड़ी फसल खेतों में बिछ गई है। सड़कों पर लोगों के घरों में कीचड़ व पानी ही पानी इकट्ठा हो गया है। वहीं HDRF हरियाणा पुलिस के जवान लोगों को मोटर बोट के माध्यम से इधर से उधर पहुँचाने में जुटे हैं। पानी के कारण मोटर बोट चलाते हुए भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों तक केले पानी के कैंपर पहुँचाए जा रहे हैं। हालांकि करनाल के उपायुक्त ने आज बाढ़ग्रस्त गांव में जाकर हालात देखे। वहीं बताया कि हालात अभी सामान्य हो रहे हैं और पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। आखिर पानी ने लोगों के लिए कितनी मुश्किलें पैदा की हैं। लोगों का कहना है कि यमुना के पानी से फसल तबाह हो चुकी है और हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं जगह खेतों से पानी निकल रहा है, लेकिन कहीं जगह 2 से 4 फुट पानी इकट्ठा हो गया है। हालांकि गांवों को आसपास में जोड़ने वाली सड़क पर पानी का लेवल कम हो चुका है। जहां 4 से 5 फुट पानी था, वहां अब नामात्र ही पानी है। सैयद छपरा से जसपी छपरा नबियाबाद हलवाना रोडान वाली सड़क पर पानी का लेवल काफी कम हो चुका है, लेकिन खेतों में पानी अभी इकट्ठा है। वहीं नागल मॉडल का मुखिया सड़क पर 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है, जहाँ से लोग मोटर बोट के माध्यम से बैठ कर कम पानी वाली जगह जा रहे हैं। किसी से गांव में, किसी ने शहर में, तो किसी ने कहीं जाना है नौकरी पर। हरियाणा पुलिस के जवान कई लोगों को बोट के माध्यम से कम पानी वाली जगह छोड़ रहे हैं। बता दें कि यमुना में आए पानी से जपसी छपरा, डेरा छपरा नबियाबाद, डेरा हलवाना रोडान, सैयद छपरा, डबकोली कला, डबकोली खुद के साथ कई गाँव यमुना के पानी की चपेट में है। यहाँ से अब पानी का लेवल कम होता दिख रहा है। सरकार ने वोट तो दी है पर मंत्री जी आके यहाँ से पीछे चले गए हैं। मंत्री जी आगे तक नहीं गए। वैसा हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव नंदौली से हूँ। हाँ जी, मेरी जो ज़मीन है सारी हलवाना वाक्या में है। अच्छा, ठीक है जी। और जो भी यहाँ पटवारी वगैरह आते हैं, ये बोल के जाते हैं कि हम आपकी गड़दौरी करेंगे। गड़दौरी तो हो जाती है जी, फिर मुआवजा नहीं आता। सन 2008 में जो हमारी गड़दौरी तो हो गई थी, फिर उसके बाद मुआवजा नहीं आया। मेरी सारी ही फसल नष्ट है आपकी बार भी, बिल्कुल ही उजड़ गया जी। हम तो बिल्कुल नुकसान है हमारा, एक दाना भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और जो भी यहाँ भी मंत्री आता है और जो भी यहाँ अफसर आते हैं, ये बोलते हैं कि वहाँ सड़क के ऊपर पानी नहीं है। और मैंने वहाँ फ़ोन करके देखा, मेरे एक रिश्तेदार है, वो ये बोल रहा था कि यहाँ जो सड़क के ऊपर है गोटा गोटा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है जी। अब की बार तो बहुत ज़्यादा पानी आया। ठीक है जी, बस रिश्तेदार है जी। कल से ज़्यादा तो ठीक है, मतलब कल तो फसल बहुत डूबी हुई थी, पीछे बहुत ऊँचाई में पानी था। कई बंदों के मतलब ये भूसा होता है ये ख़राब हो गया, जो खिलाना होता है पशुओं को। और अब मतलब किसी कई बंदों के यहाँ पर जानवरों का भी नुकसान हो चुका है। सर, पानी आगे बढ़ रहा है? पानी यहाँ काफ़ी आगे जा चुका है, अब पहले से बहुत पानी था, आगे जा चुका है। मतलब अगले गांव में बहुत पानी था यहाँ पहले, कई मतलब काफ़ी फसल नुकसान हो चुकी है। किसी कई बंदों के घरों में पानी बढ़ चुका है, खाने पीने का सामान बहुत ख़राब हो चुका है कई जगह। तो अब परेशानी है, अब कई बंदे खाने पीने का कैसे करें, पशुओं का नुकसान हुआ जी। प्रधान जी, क्या हालात क्या गांव में, पानी कम हो रहा है? गांव में पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है जी, बाकी पानी गांव के चारों करनी है इस टाइम भी। अच्छा, हाँ जी। तो कौन कौन से गांव के क्या हालात है इस समय? क्या इस साइड जो भी गांव लगते हैं, नगली, कमाल पर, सैयद छपरा, जत्ती छपरा, ये गुरुद्वारा, ये सारे पानी में ही
भरे हुए हैं। कितना कितना पानी भरा हुआ है? पानी गांव के अंदर गलियों में कम से कम 3-3 फुट पानी है। अच्छा, कई जगह 5-5 फुट से 6-5 फुट भी है, 6-6 फुट। तो लोगों के घरों तक भी गया पानी? घरों में भी बड़ा है खासे जी। तो अब कैसे आप निकल के आए हो, कहाँ फंसे पड़े थे? अब तो किश्ती में बैठ के आए हैं जो अब सरकार द्वारा लाई हुई है। कहाँ जाना है अब आपने? आप इंद्री जाएंगे जी। ठीक है, क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह। अमर सिंह जी, कितनी परेशानी हो रही है ये पानी से? की परेशानी तो यह है कि फसलें खराब हो चुकी है, रोजगार है नहीं कोई, और बाहर निकल रहा है इंद्री के पास दिहाड़ी करने जा रहे हैं लोग। सर, ये रेस्क्यू किया जा रहा है, पानी कितना लेवल है, कितना तेज बहाव है, दिल्ली की तरफ जा रहा है पानी? दिल्ली की तरफ जा रहा है, पानी का बहुत बहाव है, अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी गाँव, कई गाँव के क्या हालात है, कौन कौन से गाँव का बुरा हाल है जी? कमलपुर, नगली, हलवाना और छपरा, ये नबी आबाद, इनमें बहुत परेशानी है जी। लोग अभी भी ऊपर बैठे हैं, गांव में पानी है, बड़ा बुरा हाल है जी। क्या नाम आपका? अमर सिंह जी। पुलिस SDRF की टीम से हैं हम, SDF हरियाणा। सर, क्या कहोगे, अपना परेशानी कितनी आ रही है सर? कार्ड को बनते भैया, परेशानी कोई ज़्यादा नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं लोक हित में, बिल्कुल आराम से काम चल रहा है, स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। सर, गांव के क्या हालात है? गांव में थोड़ा पानी कम है अब, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेवल तेज है, आगे दिल्ली की तरफ रुक है। हाँ, अब दिल्ली की तरफ रुक है, पानी डल रहा है, कम से कम कल से 3 फुट पानी कम हो गया है। सर, पानी का बहाव कितना तेज हो रहा है? पानी का बहाव काफ़ी तेज है, पानी हालांकि थोड़ा कम हो रहा है लेकिन बहुत बहुत तेज है। रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं लोगों को, कितने लोगों को पहुंचा देते हैं? रेस्क्यू तकरीबन हम लोगों को कल से काफ़ी लोगों को पहुंचा चुके हैं, एक बार में 8 से 10 आदमी बैठ सकते हैं नाव में, और कंटिन्यू। कौन से गांव में चला हुआ है ये रेस्क्यू इस टाइम? ये इधर कलामपुर गाँव है, नगल है, कई जगह हालात खराब है। अभी इधर के जो लोग हैं बीमार है, कोई इमरजेंसी है, वो सब आ रहे हैं, उनको सभी को पहुँचा रहे हैं। टीम को हाँ, डॉक्टर की टीम पहुँचा आए हैं, डॉक्टर टीम आई है, और अपना बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया, क्या स्थिति है? देखिए, कल क्योंकि लगभग 8.25 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया था, तो कुछ हमारे ग्राम ऐसे हैं करनाल ज़िले में जो प्रभावित थे, आज उनका सभी का दौरा किया गया है। खबर के अनुसार उन सभी में आबादी क्षेत्र में इस समय पानी नीचे आ चुका है, सिर्फ जो कुछ फील्ड्स हैं उसमें पानी है, और जहां जहां पर इस तरह के रास्तों का कटाव हो गया है या आने जाने में कोई दिक्कत है, वहां पर हमारे नौका संचालन ज़िला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। तो कितने प्रभावित हुए जी गाँव में? इसमें हमारे जैसे आज इस समय हम यहाँ रिंडल में खड़े हैं, तो यहाँ के आगे 5 गांव ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में प्रभावित हैं, ऐसे हमारे 2 गांव और थे, तो टोटल कुल मिला के 7 गांव हमारे इस तरह से प्रभावित हैं, जिसमें खेतों में पानी है या कहीं कहीं रास्तों में रुकावट है। तो घरों में भी लोगों के पानी चला गया था सर? आपकी देखिए, अब नीचे आ गया क्योंकि इस बार जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्ड पानी आया है, पिछले 36 साल में इतना पानी कभी यमुना में नहीं रिकॉर्ड किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी एहतियात के तौर पे कदम उठाए गए थे। जहाँ जहाँ जिस जगह पानी आया है अब काफ़ी पानी नीचे हो गया, जैसे आप भी देख रहे हैं, और मुझे आशा है कि आज शाम तक ये पानी सारा नीचे उतर आएगा। तो और क्या सुविधा दे रहे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं लोग, दवाइयों की? उनके लिए हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है या पशुपालन विभाग है, एवं हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बोर्ड के माध्यम से भी हमारे डॉक्टर्स और वेटनरी सर्जन्स को अंदर भेजा जा रहा है, साथ साथ पानी की और इस तरह की कोई खाद्य पदार्थ की अगर जहाँ जहाँ से मांग आ रही है वो भी भेजा जा रहा है। अच्छा, बाढ़ प्रबंधन की पहले बैठकें होती हैं? अभी बाढ़ अब हो लिया, कई बार हो लिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।